आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरीज विद अभिषेक शुक्ला एपिसोड 2 और आज की कहानी है शापित होटल। हमारे यहाँ पुराने जमाने से भूत पिशाचों के बारे में कई कहानियां सुनी सुनाई जाती हैं। हम कुछ बातों को गौर करते हैं तो किसी को मजाक में लेके भुला देते हैं, पर कुछ ऐसे ही भुला दी हुई पिशाचों की बात जब अचानक से सामने आती है तो डर क्या होता है पता चल जाता है। मेरा नाम राजन है, मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ। मेरी नौकरी की वजह से मुझे हमेशा यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। रात के समय बहुत बार लॉज या फिर होटल में रुकना पड़ता है। वैसे तो उसका पैसा कंपनी देती है, लेकिन कुछ पैसे बच जाए इसलिए मैं छोटे से होटल में रुककर ज़्यादा का बिल बनवा लेता हूँ, ताकि वो सब जोड़कर ऊपर की कुछ कमाई निकल सके। मैं एक बार शाहपुर नाम के एक छोटे से शहर के लिए अपनी बाइक से निकला था। कंपनी का काम था और वहाँ से ऑर्डर भी लाने थे। शाम तक काम हो जाएगा इसलिए मैं ज़रा आराम से ही काम कर रहा था, लेकिन सारे ऑर्डर लेते लेते रात के करीब 9 बज चुके थे। अब अपने घर जाना मुश्किल था। सोचा कि यहीं कहीं सस्ता सा लॉज देखकर रात के ठिकाने का बंदोबस्त कर लेता हूँ। थोड़ी दूर चलने पर मुझे एक दुकान दिखाई दी। वहाँ पर एक दुकान वाला पान लगा रहा था। मैंने उससे पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ कोई लॉज है क्या? देखिए कोई सस्ता सा लॉज हो तो बताइए। उसने मेरी ओर देखा और अनदेखा करके बोला, अरे भाई यहाँ कोई लॉज वॉज नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ से 2 मील दूर एक छोटा सा ढाबा है, देखो तुम वहाँ खाना खाओगे ना तो वो लोग रुकने का भी इंतजाम कर देते हैं। मैं उसको मन ही मन ठीक है बोल के निकला। तभी उसने पीछे से आवाज लगाई। मैंने गाड़ी रोकी, देखा कि वो जोर से भागता हुआ मेरे पास ही आ रहा है। वो मेरे पास आके रुक गया और हाफते हुए बोला, हाईवे पे यहां से सीधे जाइएगा, देखिए कहीं रुकिएगा मत, सीधे उसी ढाबे पे ही रुकिएगा। देखिए रास्ते में भूतों का डेरा है, तुम नए हो तो मैंने सोचा कि तुमको पता नहीं होगा। देखो अगर कोई भी रोके तो रुकना मत, ठीक है? मैं गर्दन हिला के वहां से चला गया। मैंने ऐसी बातें सुनी तो थी, पर आजकल यकीन कौन करता है। थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी, मुझे वो ठंड हेलमेट के अंदर भी महसूस हो रही थी। मुझे ठंड से जुकाम हो जाती है इसलिए मैंने जैकेट पहना हुआ था। शहर से जैसे ही बाहर निकला वहां पर बहुत सी घनी झाड़ियां दिखाई देने लगी। अचानक से एक बड़ा सा मोड़ आया तो मैंने गाड़ी जरा धीरे की और हॉर्न बजाया। जब मैं मुड़ रहा था तभी पास के एक पेड़ के नीचे एक आदमी सोया दिखा। मैंने सोचा कोई भिखारी होगा या कोई दारू पी के पड़ा होगा। मैं बिना रुके वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाने पर मुझे एक रोशनी दिखी, लगा कि वही ढाबा होगा जो दुकानदार बोल रहा था। पास जाके देखा तो एक छोटा सा घर था जिसके बाहर लिखा था होटल माया। बाहर एक दिया जल रहा था और कोने में आग भी जल रही थी। आसपास कोई दिख नहीं रहा था तो मैंने बाहर से ही आवाज लगाई, कोई है, कोई है? मैं कुछ देर वहीं पर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद एक बुढ़िया हाथ में दिया लेकर दरवाजा खोलकर बाहर आई। वो काफी उम्र की लग रही थी, लकड़ी के सहारे चल रही थी। देखने से सब कुछ ठीक लगा तो मैंने उस बुढ़िया से पूछ लिया, अच्छा अम्मा यहाँ रात बिताने के लिए कोई कमरा मिलेगा क्या? देखिए जो किराया बनता है मैं दे दूंगा। मैंने मन में सोचा कि ये क्या ही किराया लेगी, 150 दे के निकल जाऊंगा और सुबह 500 का बिल बना के ऑफिस में दे दूंगा, ऊपर का अपना फायदा ही होगा। वो बोली, हाँ अगर खाना चाहिए तो वो भी मिलेगा। मैंने साथ में कुछ बिस्किट और चिप्स के पैकेट रखे थे, मैं ये सब हमेशा अपने साथ में रखता हूँ। सोचा कि इसको रात को दिखाई देता होगा कि नहीं पता नहीं, खाना बनाने में पता नहीं कितना टाइम लगाएंगी। मैं बोला, नहीं अम्मा मैं शहर से निकला तो खा कर आया था, आप कमरा दिखा दो, सुबह जल्दी निकलना है। वो इशारे से चलने को बोली। मैं उसके पीछे चला गया। घर अंदर से काफी साफ सुथरा था। भीतर जाते ही दाहिनी तरफ 2 कमरे थे, एक में मुझे छोड़कर वो चली गई। मैं भी थका हुआ था, थोड़े बिस्किट खा लिए और साथ में लाया पानी पी के खटिया पे लेट गया। खटिया जरा छोटी थी और मेरे पैर थोड़े बाहर लटक रहे थे। मैं पैरों को थोड़ा मोड़कर करवट लेके सो गया। थका हुआ था तो जल्दी नींद भी लग गई।
थोड़ी देर बाद मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। मैं अचानक से उठा, मोबाइल उठाकर देखा तो रात के 2 बज रहे थे। वो आवाज मुझे परेशान कर रही थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो देखा वो चूहा था जो कुछ कुतर रहा था। मैं उसको भगाया और फिर सोने की कोशिश करने लगा। तभी बाहर से रोने की आवाज आई और साथ में कुछ तोड़ने की भी। मैं चौंक कर उठ गया। मोबाइल लेके मैं दरवाजे के पास गया। आवाज बाहर से आ रही थी। मैं धीरे से बाहर झांकने की कोशिश की पर वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। सोचा कि बुढ़िया को आवाज लगाऊं, लेकिन वो इतनी रात में कहां जागने वाली है। ये सोचकर मैं शांत रहा। हिम्मत करके धीरे से दरवाजा खोला। मुझे बहुत डर लग रहा था। एक तो अंधेरा था और ऊपर से वहां पर बिजली भी नहीं थी। रात को ऐसी भयानक सी आवाज आएगी तो डर तो लगेगा ही ना। मैं अपने कमरे से बाहर निकला। बाहर जाके देखा तो आवाज बगल वाले कमरे से आ रही थी। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की पर कुछ देख नहीं पाया। पहले तो मुझे लगा कि वो मेरे जैसा ही कोई मुसाफिर होगा जो रात के लिए रुका होगा और उसका अपनी बीवी से झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि रोने की आवाज औरत की आ रही थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। एक झटके से दरवाजा खुल गया। मेरी धड़कनें एकदम से तेज हो गई। अंदर पूरा अंधेरा था। देखा तो कोने में एक दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में वो बुढ़िया बैठी हुई थी। अभी वो बुढ़िया बहुत ही भयानक दिख रही थी। वो मेरे ही तरफ अपनी लाल आंखों से देख रही थी। मैंने जैसे ही मोबाइल का टॉर्च पूरे कमरे में घुमाया, तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर मेरी रूह कांप गई। मुझे एक सफेद कपड़े पहना हुआ आदमी दिखा, जिसका पूरा कपड़ा खून से रंगा हुआ था और वो लकड़ी के लट्ठे पर कुछ काट रहा था। मुझे जो आवाज सुनाई दे रही थी वो इसी काटने की थी। ये वही आदमी था जो शायद मुझे रास्ते पे पड़ा दिखा था। वो किसी औरत को काट रहा था और वो औरत दर्द की वजह से चीख रही थी। मेरा दिमाग एकदम से सन्न हो गया। पसीने से मैं तर बतर हो गया। भागना चाहता था लेकिन हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे चक्कर आने लगा और मैं वहीं पर गिर गया। जब मैं गिरा तो मैंने देखा कि मैं खून में गिरा हुआ हूँ। मेरे गिरते ही मेरे ऊपर चिपचिपे से कीड़े रेंगने लगे। उस बुढ़िया के ऊपर भी वही कीड़े चढ़े हुए थे। हर तरफ सड़ने की बू आ रही थी। बुढ़िया अचानक से खूंखार हो गई। वो हथियार लिए मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं तड़प रहा था। वो जैसे ही मेरे करीब आने की कोशिश करने लगी, मैं पीछे खिसक कर दरवाजे को उसके मुंह पर दे मारा। वो नीचे गिर गई। मैं पूरी हिम्मत लगाकर खड़ा हुआ और ऊपर वाली का नाम लेकर वहां से भागा, मानो ओलंपिक की रेस हो। मैं चिल्ला रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। बुढ़िया और वो आदमी मेरे पीछे ही दौड़ रहे थे। मैं रास्ते पर आ चुका था। मैं वैसे ही नंगे पैर जान बचा के भागा। मुझे नहीं पता था मैं कहां जा रहा हूं, बस मैं भागता जा रहा था। थोड़ी दूर पर फिर से मुझे एक रोशनी दिखाई दी, लेकिन इस बार ये वही ढाबा था जो दुकानदार ने बताया था। मैं जान मुट्ठी में लेके भागा। जैसे वहां पर पहुंचा, जोर जोर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। वहां काम करने वाले लोग उठ के आ गए। कुछ लोग सो रहे थे, वो भी उठ के आ गए। मेरी जान बच गई। उन्होंने मुझे पानी पिलाया, तब मेरी जान में जान आई। सारी हकीकत बताने पर एक आदमी बोला, बेटा तेरी तकदीर में जिंदगी लिखी है, इसीलिए तू बच गया। ये सालों से चलता आ रहा है, वहां जो भी फंसा है कभी वापस नहीं आया है। तभी वहां पर खड़े दूसरे आदमी ने कहा, देखो भाई वो होटल सबको नहीं दिखता, शापित होटल है वो, लेकिन जिसको दिखता है ना वो फंस जाता है और उन खूनी पिशाचों का शिकार हो जाता है। शायद ऊपर वाला तेरे साथ है, तभी तुझे जिंदगी मिली है। रात को मैं वही रहा, ढाबे वालों के बीच में। सुबह होते ही उन्हीं के साथ मैं अपनी बाइक और सामान तलाश करने उसी जगह पर गया। मेरी बाइक वहीं पर थी, मेरा सामान भी वहीं पर था, लेकिन वो खूनी होटल वहां पर नहीं था। पूरी जगह सूनी थी। लग रहा था कि यहां कुछ था ही नहीं, वो एक शापित होटल था।
मैंने वही काम करने वालों से सुना। उस होटल ने कई लोगों की जान ली थी। मैंने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया और अपनी बाइक लेके वहां से घर के लिए निकल गया, अपने सीने के अंदर उस शापित होटल की वो खूंखार रात की याद को लिए। आप सुन रहे थे हॉरर स्टोरीज विद अभिषेक शुक्ला।